रिमझिम रिमझिम बारिश में गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग दाल के पकौड़े कैसे बनाते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मूंग दाल के पकौड़े बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ 1 कप मूंग दाल। अब इसे आधा घंटा भीगने के लिए रखेंगे, तो आप इसमें इतना पानी यूज करें जितने में की दाल डूब जाए। अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें गर्म पानी यूज करें, इससे दाल 15 मिनट में ही पकौड़े बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। यहाँ दाल को रखे हुए हाफ एन आवर हो चुका है और दाल अच्छे से सोख हो चुकी है, तो अब इसे धो लेंगे और उसके बाद इसे ट्रांसफर कर देंगे एक ब्लेंडर के जार में। ब्लेंड करने के लिए इसमें 4 से 5 चम्मच पानी रख लें और साथ ही इसमें ऐड कर लें 5 से 6 कलियां लहसुन की और 2 हरी मिर्च। अब इन्हें ब्लेंड कर लें। मिक्सचर का एकदम फाइन पेस्ट ना बनाएं, हल्का दरदरा ही रहने दें। ऐसा करने से पकौड़े काफी क्रंची बनते हैं। इसके बाद इसे ट्रांसफर कर लें एक मिक्सिंग बोल में और इसमें ऐड कर लें 1 बारीक कटा हुआ प्याज और साथ ही इसमें ऐड कर लें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। बैटर बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बैटर बहुत ज़्यादा पतला ना हो, बैटर इसी तरह से घना होना चाहिए। बैटर बनकर तैयार हो गया है, तो अब हम चलेंगे कुकिंग की प्रोसेस में। इसके लिए गैस का फ्लेम स्विच ऑन करके एक पैन रख लें और इसमें डाल दें फ्राइंग के लिए तेल। तेल को गर्म होने दें, जब तक तेल अच्छा गर्म नहीं हो जाता तब तक आप बैटर ना डालें। बैटर को डालने से पहले आप इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं इस बात को चेक करने के लिए आप थोड़ा सा बैटर इसमें ऐड करें। अगर बैटर ऊपर आता है तो समझ जाइए पकौड़े तलने के लिए तेल बिल्कुल तैयार है। तो अब एक स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके इसमें बैटर ऐड करें और गैस का फ्लेम यहाँ मीडियम कर लें। अगर आप हाई फ्लेम पर पकौड़े तलते हैं तो इनका कलर बाहर से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, मतलब बाहर की लेयर पक जाएगी पर अंदर से ये कच्चे ही रहेंगे। इससे बचने के लिए आप गैस का फ्लेम मीडियम कर लें और आराम से इन्हें पकने दें। बीच बीच में आप इन्हें पलटते रहें ताकि ये हर तरफ से अच्छे से पक जाएं। जब इनका कलर हर तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो समझ जाइए पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो उस स्टेज पर आप इन्हें तेल से निकाल दें। और इसी तरह से बाकी बचे हुए पकौड़े भी तैयार कर लें। बीच बीच में आप इन्हें पलटते रहें ताकि ये हर तरफ से अच्छे से पक जाएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्राइंग के लिए गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, इससे पकौड़े अंदर तक अच्छे से पकेंगे और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपको पकौड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं किया है बिकॉज ये बिना बेकिंग सोडा के भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। इन पकौड़ों का कलर भी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब इन्हें भी तेल से निकाल दें। तो गर्मा गर्म मूंग दाल के पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। और मूंग दाल के पकौड़े केचप के साथ खाने में बहुत ही यमी लगते हैं। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ क्रिस्पी और डिलीशियस मूंग दाल के पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप ये आसान और डिलीशियस रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।